हाय गौतम, वेलकम टू दी शान। हेलो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस की जर्नी आपकी कैसी रही? बिग बॉस की जर्नी मेरी अलग अलग इमोशंस के साथ रही है, बी इट हैप्पी, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट फीलिंग्स एंड सैड एट द एंड। या इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशंस। या क्या कुछ कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि आप इविक्ट होने वाले हो? क्योंकि बाहर भी सभी ऑडियंस का बहुत बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस फ्राइडे कौन निकलने वाला है। क्या कुछ रिएक्शन आपका था जब आपको पता चला? मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या अचानक से, बिकॉज सलमान से स्टार्टेड प्लेइंग तो ही टुक अ नेम ऑफ शालीन, देन उन्होंने टीना का नाम लिया, फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से आज एविक्शन नहीं होगी तो आपका सोचना सही भी हो सकता है। पता नहीं मुझे ये चीज़ उन्होंने टेलीकास्ट में दिखाई या नहीं दिखाई, बट देन ही टुक माई नेम कि गौतम चलो, एंड एवरी वन वॉज लाइक गॉट दैट फीलिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन। इवन सौंदर्य ने भी बोला कि यू नो कि इट्स फॉर फन, सलमान सर प्लीज ये वो, सो ही सेड कि सी इफ आई कम बैक, एंड तब तक सबको लग रहा था फन है क्योंकि एवरी वन वॉज सिटिंग, कोई रिएक्शन नहीं था किसी का भी, बिकॉज वो था मस्ती करते हैं वो कई बार, एंड सडनली बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि गौतम आपके पास कुछ मिनट हैं और आप सबसे विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए, एंड फ्रॉम देयर इट्स उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वहाँ से लेके बार वैनिटी तक आई हैव नो आइडिया। आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज फ्रीज्ड, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट या इट वाज अ बिग बिग मोमेंट फॉर मी। फिर जानना ये भी चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद पूरी स्केड्यूल चेंज हो जाती है, सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? वेल मॉर्निंग जैसी स्टार्ट होती है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर की चीजें? हाँ, बिग बॉस के घर की चीजें आई थिंक चुगली जो सब करते थे, आई थिंक दैट वाज द सी आई ऑलवेज हैड फन इनसाइड। वी यूज टू यू नो सिट, ड्रिंक टी एंड यू नो हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टफ। आई वाज कैप्टन ट्वाइस, सो मैं सबको ड्यूटी एलोकेट्स करना और वो सब करना, तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड। और बाहर आके मैं यही मिस करता हूँ कि इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट इमोशन देयर वाज इनसाइड, बट मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक वो क्लोजर नहीं मिला, तो आई थिंक दैट्स द थिंग गॉट स्टक इनसाइड में कि वो क्लोजर नहीं मिला, वो मिलना ज़रूरी था इसलिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज ऑल हैप्पी फन। गौतम, क्या लगता है आपको निकलना चाहिए था कि और कोई कंटेस्टेंट्स भी निकल सकते थे? क्योंकि और भी लोगों की उम्मीद थी, कई लोगों के ट्वीट्स भी आए, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए कि गौतम नहीं निकलना। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं निकलूंगा, एंड आई एम नॉट सेइंग विद अ प्राइड और एनीथिंग, बट आई न्यू माई सेल्फ और मुझे पता था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं या जो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर। आई डोंट वांट टू से इट, बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है। तो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करता था अभी बाहर आना। मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे, एंड आउट ऑफ 4 नॉमिनेशंस, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग टीना टू गो आउट ऑफ द हाउस, और सेकंड ऑप्शन वाज सौंदर्य, बट नो वन वाज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊँगा और ऐसी चीज़ें होंगी, बट ठीक है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर गया, ऑफकोर्स दे गोना बी हैप्पी, दे गोना बी एंजॉय दैट थिंग।